बात एक जब हम यहाँ आए तो एक हेजिटेशन थी, एक फीलिंग थी, घबराहट थी कि पता नहीं, क्योंकि एक जो नेगेटिव पहलू था जहन में जो चल रहा था या लोगों ने भरा था कि ये जो है ना सही नहीं अमल होता, शरीयत से भी मुतसादिम है। तो फिर आपसे हुई, आपसे फिर यहाँ के लोगों से जब बात हुई उनसे, तो फिर उन्होंने सेटिस्फाई किया, फिर मुतमईन हुए, तो बोलेंगे हाँ भाई ये तो जायज़ तरीका है। क्योंकि लोगों के जहन में ये होता है कि टेस्ट ट्यूब वगैरह ये जो है ना वो एक गलत है प्रोसेस, उसमें जो है वो दूसरे के भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ें। फिर आपने मुतमईन किया, यहाँ के स्टाफ ने मुतमईन किया, डॉक्टर साहबा ने मुतमईन किया, तो जो है फिर हम सेटिस्फाई हुए, तो लाजमी बात है। हालांकि ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ था शादी को, 2 साल बाद, लेकिन हमने सोचा कि ज़्यादा डिले क्यों करें, अगर एक टेक्नोलॉजी है, एक अच्छी चीज़ है तो उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो जिसमें फिर आपका क्रेडिट जाता है वसीम भाई को कि माशाल्लाह से आपने जिस तरीके से ब्रीफ किया, यानी हम सेटिस्फाई हो गए, मुतमईन हो गए। फिर मैंने इनको किया, अपने घर वालों को किया, घर वाले भी थोड़ा हेजिटेशन थी कि यार ये सुना है कि गलत प्रोसेस होता है, एक जो जहन में लोगों के बिठाया हुआ है कि ये सही अमल नहीं है, फिर उनको भी मुतमईन किया, क्योंकि हमारा घर जो है घर मजहबी घराना है, तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा जो है ना हसासियत दिलाती है कि यार पता नहीं ऐसा तो ना हो। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, कुछ है अल्लाह पाक ने नेमत दी है सब माशाल्लाह, और माशाल्लाह से सब यहाँ कोऑपरेट करते हैं, सबका इखलाक बहुत अच्छा है, जिसका नाम लिया जाए कम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सबका इखलाक बहुत अच्छा है। और अच्छा मैं जितने भी हैं मैं तो सबको यही एडवाइस करता हूँ जानने वालों में भी कि भाई आप जाएँ, लेकिन ठीक है औलाद का कोई नेमल बदल नहीं है, पैसा अगर थोड़ा सा पैसा है तो भाई औलाद के लिए तो अगर करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो कम है। और जो आजकल तनासुब है नहीं हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल मामला हैं या जो भी हैं, तो उससे ही है कि यहाँ की सर्विसेज से और यहाँ के बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% बन। ये है कि जो है बहुत कोऑपरेटिव, और जो है लाजमी बात है आप जब कोऑपरेटिव हुए तो उसकी फिर हमारा भी हौसला बढ़ा ना, रिसेप्शन से लेके डॉक्टर तक और सब ने बहुत कोऑपरेट किया, और निचला जो निचला तबका है जिसे काकरोच कह ले या स्वीपर्स कह ले, तो उनको भी माशाल्लाह यानी कोई झोल नहीं पाए, अल्लाह पाक का एहसान है। जब भी दोबारा भी आए कि भाई अगर मौका मिला तो जो है कंसेप्ट करें, कंसीव करें। माशाल्लाह आपकी बेटी कितने महीने की होगी? 10 महीने की होगी, 10 महीने की, जून में ये 12 की हो जाएंगी, 1 साल, फिर इंशाल्लाह ताला। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूछा कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर आने के बाद आपका किन किन कंसल्टेंट और डॉक्टरों से मुलाकात हुई या उनके साथ किसके साथ आपका रहा? असल में सबसे पहले तो डॉक्टर इनसे हुई थी, क्या नाम उनका, डॉक्टर शहनाज, हाँ डॉक्टर शहनाज लाखानी, और उसके बाद फिर उन्होंने हमसे बताया कि 2 डॉक्टर हैं जो डॉक्टर सेठना, और वो फिर हमने डॉक्टर रजिया को जो है वो किया कि जो है, तो डॉक्टर रजिया हमारी जो है वो सही टीम और डॉक्टरों ने की जी जी जी, और उनकी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सफिया थी, बाकी ठीक है, थैंक यू।